न्यू टॉपिक दैट इज योर ट्रैक चेंजेस. ट्रैक चेंजेस मींस वी वांट कि व्हाट एवर चेंजेस वी आर मेकिंग वेदर इन एडिटिंग और इन फॉर्मेटिंग. एडिटिंग मींस वी आर एडिंग न्यू टेक्स्ट, वी आर कॉपिंग द टेक्स्ट, मूविंग द टेक्स्ट और एडिंग न्यू लाइंस और डिलीटिंग सम पैराग्राफ्स और डिलीटिंग सम वर्ड्स और चेंजिंग द स्पेलिंग. वट एवर चेंजेस वी आर मेकिंग इन अ डॉक्यूमेंट वी वॉन्ट टू रिकॉर्ड दोज चेंजेस सो दैट अगर हम चाहें तो उनको अंडू कर सकते सेलेक्टिवली भी. सिर्फ अंडू से सिर्फ लास्ट सेक्शन अंडू होता है सीक्वेंस में. बट आई वॉन्ट कि मुझे सीक्वेंस में सारे अंडू नहीं करने हैं, दो एक्शन से पहले जो किया था वो करना है. तो आई वॉन्ट टू रिकॉर्ड ईच एंड एवरी चेंज दैट आई एम मेकिंग इन द डॉक्यूमेंट सो दैट वेन एवर आई वॉन्ट टू मेक एनी अंडू और एनी कैंसिल करना चाहते हैं कोई चेंजेस तो वी कैन डू दैट. और यू वॉन्ट टू शो व्यू करना चाहते हैं कि हमने क्या क्या चेंजेस करे हैं टू व्यू दोज चेंजेस तो दैट यू कैन डू. दैट इज कॉल्ड ट्रैक चेंजेस. ओके फॉर डूइंग द ट्रैक चेंजेस फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर सपोज टू रिकॉर्ड द चेंजेस. क्लिक ऑन एडिट मेन्यू चेंजेस ऑप्शन. यहाँ पे देखो शो बाय डिफॉल्ट आ रहा है. शो मीन्स इट विल शो यू द चेंजेस वट एवर यू आर मेकिंग. But when I start recording, click on record, it will start recording the changes now. But अगर आप चाहते हो कि recording के साथ साथ वो नहीं हो तो आप show को deselect कर सकते हो. ठीक है. Now suppose I am adding some heading here. Cybercrime. It is giving me different color automatically. मैंने color नहीं change किया because it is showing me the change कि ये change है, ये add हुआ text. Suppose मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, आई हैड इंक्रीज द साइज, आई एम मेकिंग इट कलर चेंज कर रही हूं. ठीक है. नाउ इट इज अगेन इन ब्राउन कलर. क्यों? बिकॉज इट इज चेंज्ड. अगर हमें क्लिक करो एडिट मेन्यू चेंजेस शो सेलेक्ट कर दू. नाउ चेंजेस हो रही है बट वो शो नहीं हो रही है, विजिबल नहीं हो रही है कि क्या क्या चेंज हो रहा है. आप इंस्टेंटली विजिबल व्यू कर सकते हो चेंजेस को by clicking on show button. Suppose I'm copying this paragraph from here. I'm selecting it. मैंने cut कर लिया control X press करके. Now I'm going to the last and pasting it. Control B. हो गया. Then I'm increasing its size also. I'm changing its color. Okay. Then suppose I'm a adding some words. This is the new line I'm adding. Okay. Now all these changes are getting recorded. Now if I click on edit menu, changes show. Whatever changes I had made, you can view them. Like ये paragraph यहाँ से cut हुआ, यहाँ पे add हुआ, यहाँ पे line आ गई है. ठीक है. यहाँ पे इनका ये new text add हुआ है, यहाँ पर text का size formatting change हुई है. Clear? Right click तो मैंने नहीं किया बेटा. Edit menu, changes, record, show. रिकॉर्ड करेंगे देन इट विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग द चेंजेस देन इट विल शो द चेंजेस ऑल्सो. अदरवाइज अगर रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं तो शो भी नहीं करेगा. नाउ कम टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट. नाउ यू कैन सी अ लिस्ट ऑफ चेंजेस इज देयर. इंसर्शन फॉर्मेट, इंसर्शन डिलीशन, टाइम विद टाइम एंड डेट. ठीक है. सपोज मुझे इसमें से कोई चीज अंडू करनी है, कोई चीज एक्सेप्ट करनी है, कोई चीज रिजेक्ट करनी है. इफ यू वांट टू एक्सेप्ट ऑल द चेंजेस यू कैन से एक्सेप्ट ऑल. इफ यू वांट टू रिजेक्ट ऑल द चेंजेस नो, मुझे पहला प्रीवियस वर्जन चाहिए, रिजेक्ट ऑल. एंड इफ यू वांट टू सेलेक्टिवली चेंज करना चाहते हो, ये इंसर्शन है वो चेंजेस शो कर रहा है क्लिक करने पे, ये डिलीशन है, दिस इज द फॉर्मेट. ठीक है. इट इज शोइंग यू कि कौन सी चेंज है. अगर आपको कोई चीज अंडू करनी है, आई एम क्लिकिंग हियर, सपोज दिस इंसर्शन आई डू नॉट वांट, आई से रिजेक्ट, तो वो चेंज कैंसिल हो गई. क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस. तो दीक्षा, इकजोत, रमन, जयति, इज इट क्लियर? राघव,
सेलेक्टिवली एक्सेप्ट कर सकते हैं, सेलेक्टिवली रिजेक्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट ऑल और रिजेक्ट ऑल. एक्सेप्ट ऑल, ऑल द चेंजेस हैव बीन एक्सेप्टेड नाउ. ओके, क्लियर? हाउ टू ट्रैक द चेंजेस? बाय क्लिकिंग ऑन एडिट मेन्यू, चेंजेस, रिकॉर्ड. अगर हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं देन यू विल नॉट बी एबल टू शो, आप व्यू नहीं कर सकते हो कि क्या क्या चेंज किया मैंने डॉक्यूमेंट में. आप सीधा सेव कर लेते हो या अंडू करते हो जैसे हम नॉर्मली करते हैं. अगर एक एक्शन अंडू करना, इंसर्शन अंडू करनी थी तो मुझे पहले उसके पहले वाले दो एक्शन भी अंडू करने पड़ते, बट मुझे वो नहीं करने थे. दैट इज वाई इट हेल्प इन ट्रैक चेंजेस. ट्रैक चेंजेस मीन टू कीप द ट्रैक ऑफ एवरी चेंज दैट वी आर मेकिंग इन अ डॉक्यूमेंट, वेदर इन एडिटिंग और इन फॉर्मेटिंग. Okay, and for that one, first of all, you have to click on record button. Only then it will keep the record of changes. Yes, Dhiren. Ma'am, ek bar accept or reject, repeat kar do. Okay, now I had accepted all the changes. I have to make it again because usme list mein ab kuch nahi aayega. Okay, I am deleting it. Suppose it is showing me the change. Whatever changes we will make, it will start recording and it is showing also because show button is selected. I'm deselecting it. Now, suppose I am making changes in this. Okay. Changing the color or giving some. Moving the text or copying the text. Suppose मैंने copy किया है, पिछली बार मैंने मूव किया था, now I'm copying it. ठीक है, I'm deleting some point. मुझे ये point नहीं चाहिए. Then I'm suppose adding a new point. Okay, now click on edit menu, changes, show. It will show all the changes now. This has been deleted. This has been copied here, added here. ठीक है, यहाँ पर इसका text change हुआ है, font change हुआ है. Okay, it is showing the changes. Now, click on again, edit menu, changes, accept or reject. It will show you the dialog box with a list of changes that you are making. ठीक है. Then you can click on any particular point. It will show you कि यहाँ पे मैंने क्या change किया, पीछे document में show हो रहा है. If you want to reject it or accept it selectively, you can click here, or you can accept all or you can reject all. Reject all करेंगे, जितनी changes करी है सारी reject हो जाएंगी document original position पे. Okay, clear है? Okay. टॉपिक सिलेबस में है बेटा, इट इज इन द सिलेबस. मैम, राइट डाउन द मेन्यू कमांड्स. यू कैन राइट डाउन द मेन्यू कमांड, एडिट मेन्यू, चेंज ऑप्शन, एडिट मेन्यू, चेंजेस, रिकॉर्ड, टू रिकॉर्ड द चेंजेस, टू कीप द ट्रैक ऑफ चेंजेस. तो सेलेक्ट करो, क्लिक ऑन रिजेक्ट बटन ओनली, डू नॉट क्लिक ऑन रिजेक्ट ऑल. ओके, आई मैंने अभी अंडू किया है. यस, नाउ एक्सेप्ट और रिजेक्ट में आ गए. ठीक है, क्लिक हियर, रिजेक्ट ओनली दिस, अंडू किया, डिलीशन, रिजेक्ट. ठीक है, डिलीशन, रिजेक्ट. ठीक है, क्लियर? एक्सेप्ट ऑल करेंगे तो सारी एक्सेप्ट हो जाएंगे. फिर आप एक्सेप्ट करने के बाद फिर आप उसको वापस लिस्ट में नहीं आएगा, आप उसको सेलेक्टिवली रिजेक्ट नहीं कर सकते. एक बार एक्सेप्ट कर लिया देन यू कैन नॉट रिजेक्ट इट. ठीक है, क्लियर? एडिट मेन्यू, नोट डाउन द कमांड, चेंजेस, रिकॉर्ड, टू रिकॉर्ड द चेंजेस, टू व्यू और हाइड द चेंजेस, एडिट मेन्यू, चेंजेस, शो ऑप्शन, एडिट मेन्यू, चेंजेस, शो ऑप्शन. डेट वाइज चेंजेस है, अगर आप डॉक्यूमेंट में डेली कुछ चेंज कर रहे हो
then there is a date also to keep the track. कौन सी चेंज कौन सी डेट को हो रही है, then you can filter the changes according to the date. But if there are so many changes, you can filter the changes according to the date. Presently we are having only one today's changes, that is why I have not shown you that. हाँ जी, नोट डाउन हो गया सबका? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हैड यू नोट डाउन द कमांड्स? हाँ जी, टाइम भी आएगा, डेट भी आएगी. रिकॉर्ड, it will start recording the changes, keeping the track up. Then show to view or hide the changes. Then accept or reject. Edit menu, changes option, accept or reject option. Open the accept and reject dialog box to view, filter the changes, or to accept or reject selective or all the changes. Filter mein you can have the dates. Earlier than kis date se pehle ki changes dekhni hai, ya kisi ek particular date ki change dekhni hai, is date mein kya changes kari thi, that you can view. If you are continuously doing the changes and continuously recording them date wise, it will give you the list of that also. You can filter the list. Presently we are having only this much list, na? If multiple changes on multiple days are there, ki aapne daily koi change kar rahe ho, 1 week se koi changes kar rahe ho, all the list will be appear here. But aapko usme se filter karne hai record ki mujhe ek particular date ki ya is date se pehle ki ya is date ke baad ki changes dekhni hai. So then you can filter the records. Okay? Filter ke bhi zarurat nahi hai, aap sirf itna hi rakho. Accept or reject dialog box mein hai. Teen. Record, show or accept. Theek hai, edit menu, changes, accept, record and accept or reject. Haan ji, online students, any doubt in this topic? Mitansh, Simran, any doubts? Sudiksha? Okay. I think kuch bachcho ka viva rehta abhi. Online students ka tha kuch bachcho ka. Okay, Simran. Simran, unmute yourself. Unmute yourself, switch on your camera. All of you can make a presentation on cyber security who are sitting here. All of you create a presentation on cyber security. Students who are sitting online, they can create a presentation in Impress and share your screen. Impress. Share your screen. Aap apni do slides banake share karo, then make next two. Everyone create a presentation on cyber safety. Simran, unmute yourself and switch on your camera to give Viva. Sudiksha, otherwise marks nahi milenge. Ramanjeet, Sudiksha. Yes, ma'am. What is the command for inserting a table in Writer? Insert menu. Okay. Insert menu table. Option. Shortcut key kya hai? Control plus F12. Okay. What is the extension of Impress presentation? .odp. Dot. ODP. ODP. Okay. P. ODP. Impress. Okay. Simran, unmute yourself. Ramanjeet.
Yes, ma'am. Okay. Beta, what is the command for inserting a row in a table? Inserting a row. Ma'am, 2 minutes, please. 2 minutes, please. Table. Table. Insert rows. Correct. Okay. Slide design option is available in which menu of Impress? Ma'am, yes, I'm not able to hear you properly. Slide design option is in which menu in Impress? Slide design option is present in which menu in Impress? Give me a book. Okay, leave it. Itna time hi milega beta answer karne ke liye. Itne mein to answer dekha jayega. Name the types of line spacing. Single, one and half, double. Okay. What is the point? What is the point size of single? Single, 12. Okay. Okay. Ichot. Simran. Ichot, unmute yourself, switch on your camera. Beta, jis jis ka viva rehta hai, please switch on your cameras. Mujhe baar baar ek ek ka naam nahi lena pade. Jis jis ka viva rehta hai, switch on your cameras. Okay, Ichot. Name the types of indents. Indwriter. Right indent. No indent. Left indent. Right indent. Left indent, no indent. Okay, name the toolbars. Name the two toolbars in Impress. Name the two toolbars. Table toolbar. Press my table toolbar. By default, to appear over here. Yes. Okay. Simran. Yes, ma'am. Okay. What is the point size for 1.5 line spacing? What is the point size for 1.5 line spacing? Ma'am? Yes. What is the point size of 1.5 line spacing? Ma'am, can you repeat it for once, please, again? What is the point size of 1.5 line spacing? Point size of 1.5? Yes. Ma'am, 18. 18. Header and footer or header option is available in which menu? Ma'am, what? Header option is available in which menu? Ma'am, header option. Which menu? Insert. Shortcut key for find. Ma'am, sorry, what? Shortcut key for find. Control plus F. Okay. Ikjot ka ho gaya. Okay, who is next? Sumati, she is present. Shivansh. Ritima. No, Ritima to hai nahi. Reza, Pranshi, Parmeet. Yes, ma'am. Sumati. Shivraj. Yes, Shivraj, aapka bhi nahi hua beta. Unmute yourself. Nice. Shivraj kan. Na mera ho gaya tha us din. Okay. Shivansh, is he present here? So yeah, Raghav, unmute yourself and give viva. Switch on your camera. Okay, Sumati. Okay.
Okay, Sumati, which key? Sumati, name the types of views in Impress. Various types of views in Impress. Normal view, outline, slideshow, okay. Slide sorter. Okay, but which menu will you click to insert a new slide? File. File. File mein to new aapka presentation aayega. Which menu will you click to insert a new slide? In new slide lene ke liye kaun se menu mein click karenge? Insert. Insert. Any other method to insert a new slide? By clicking on new document on stand toolbar. New document se new presentation banegi beta. Slide insert karni hai sirf. Control plus N. Name any two page formatting options. Page formatting mein kya kya karte hai? Page formatting. Name the various page formatting options. Line spacing page formatting hai ke paragraph formatting hai? Font size. That is a character formatting. Page formatting. Yes. Line spacing, paragraph formatting hai ke page formatting hai? Line spacing, border shading. Okay. Raghav. Yes, Raghav. Yes. Mic ka kya problem hai? What is the problem with your mic? What do we call the white space between the text and the paper edge? Sorry, ma'am, repeat it. What is the we call the distance between the text and the paper edge? Margin. Margins. Name the types of margins. Left margin, right margin, top margin, bottom margin. Margin option is in which menu? From which menu you will change the margins? Format. Okay, format menu, which option? Format menu, margin option. No, format menu. Okay. Name any two buttons on presentation toolbar. Name any two buttons slide on slideshow, slide. Presentation toolbar. Slideshow, slide. Slideshow and slide. Okay. 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 Yeah, Dipanshi, are you here, beta? आपका वाइवा नहीं हुआ आप बोले नहीं अभी तक दीपांशी कम है नेम द टाइप कंपोनेंट्स ऑफ स्लाइड यूज्ड फॉर रेफरेंस क्वाइट एवरीवन कंपोनेंट्स ऑफ स्लाइड फॉर रेफरेंस components of slide for reference purpose Anji what are the components of slide for reference purpose ma'am may I reference purpose yes ma'am may I notes handouts ma'am notes handout speaker notes outline okay good thank you how will you create a new presentation what is the command for creating a new presentation Dipanshi new presentation Vanshika come back to your seat
Pawan Noor. Had you done anything in the practical? हाँ तो न्यू प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट करते हैं? You just have to give me the menu command ना, menu option बतानी है आपको. Okay. What are the two ways for inserting pictures? शॉर्टकट की नहीं है बेटा इसकी कोई. आपने तीनों में से प्रोजेक्ट फाइल आपकी नहीं आई है, राइटर की प्रैक्टिकल आपने नहीं दिया, ईमेल भेजा आपने. Who told you to send me the email and